हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टेंथ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका प्रूव डेट, आपको ये प्रूव करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इक्वल होगा किसके, टैन थीटा के। ठीक है, सिंपली आपको एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो उसमें आप तीन स्टेप पहले फॉलो करेंगे। पहला स्टेप ये है, जो भी आपको क्वेश्चन गिवेन है उसको क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करेंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे। और सेकेंड स्टेप क्या है, अगर कोई आइडेंटिटी लगेगी तो लगा देंगे। ठीक है, अगर कोई आइडेंटिटी लगेगी तो लगा देंगे। ठीक है, और तीसरा स्टेप ये है, अगर उसमें से कुछ कॉमन मिलेगा तो बाहर निकाल देंगे। ठीक है, कॉमन मिलेगा तो बाहर निकालेंगे। ठीक है, आइए ये तीन स्टेप हम लोग इस क्वेश्चन पे फॉलो करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग एलएचएस को सॉल्व करेंगे, आरएचएस के इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एलएचएस को सॉल्व करने जा रहे हैं। एलएचएस में क्या दिया गया, पहले उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, आपको क्या गिवन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आइए इस पे अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, पहला स्टेप क्या था, साइन कॉस में चेंज करना, जो कि ये पहले से ही साइन कॉस में चेंज है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या था, कोई आइडेंटिटी लगेगी तो लगा देंगे। ठीक है, कोई आइडेंटिटी लगेगी तो लगा देंगे। देखिए, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही है। ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या था, अगर कुछ कॉमन मिलेगा तो कॉमन को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर से देखिए साइन थीटा यहाँ पर भी और साइन थीटा यहाँ पर भी, तो न्यूमरेटर से क्या कॉमन मिला है, साइन थीटा, और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन मिल जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ठीक है, जो चीज किया जाएगा उस चीज को हम लोग लिख के दिखा दें वहां पे। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे। देखिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, न्यूमरेटर से हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से हम लोग कॉस थीटा को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में आप लोग समझ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग साइन थीटा को कॉमन निकालते हैं, ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, अभी आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग डिनोमिनेटर से किसको कॉमन निकाल लेंगे, कॉस थीटा को, तो यहां पर क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर यहीं पे आ गया। ठीक है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये इक्वल होता है किसके, टैन थीटा के। बट आप देखिए, इन दोनों टर्म को हम लोग को सेम करके काटना पड़ेगा। ठीक है, या तो हम लोग ऊपर वाले टर्म को चेंज कर दें इस टर्म में, या तो इसी टर्म को चेंज कर दें इस टर्म में। ठीक है, यही दो आपको अब सॉल्व करना है। ठीक है, आपका आंसर यहीं तक आ चुका है, बट इन दोनों को कैंसिल होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिएगा, ये आपका आएगा साइन थीटा, ठीक है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अपॉन में क्या आपके पास, कॉस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट में 2। ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वो इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसी कॉस स्क्वायर थीटा के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसके बाद क्या था, माइनस का 1 था। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और डिवाइड बाई यहाँ पर आएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 2 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और ये माइनस, फिर 2 का मल्टीप्लाई अगर साइन स्क्वायर थीटा में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये माइनस का मान आपका पहले से ही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये होगा आपके पास साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अपॉन में ये आपके पास आएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में 2 है और ये माइनस में 1 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 2 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1, और ये माइनस में कितना आपके पास, 2 साइन स्क्वायर
थीटा, ठीक है। देखिए ये दोनों टर्म क्या हो गया, सेम हो गया ना। अगर हम चाहते हैं तो ऊपर वाले टर्म को भी सॉल्व करके इस टर्म में ला सकते थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों टर्म क्या होगी, कैंसिल, ठीक है। आपके आपके पास क्या बचेगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, जो कि इक्वल होता है किसके, टैन थीटा के, ठीक है। हम लोग को यही ग्रुप करना था, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।